स्वागत है एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने आपका एक कीमती समय आज के वेबिनार में दे रहे हो आप। डेफिनेटली आपको आज जो वेबिनार है हमारा उसमें ई विश्वा के प्रोडक्ट के बारे में या जो डीलरशिप जो प्रोस्पेक्ट्स है कैसे आपको डीलरशिप लेनी है, किस तरीके से कंपनी के बारे में डिटेल्स, ये सारी चीजें तो पता चलेगी। ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या इंडस्ट्री है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस वेबिनार में मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द मैनेजमेंट टीम। मायसेल्फ नितिन गोरले एंड द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ई विश्वा। मिस्टर रविंद्र गोरले इज द डायरेक्टर फॉर फाइनेंस। रोहित देसाई इज टेकिंग केयर फॉर द आफ्टर सेल सपोर्ट। एंड स्वप्न वराडे इज द डायरेक्टर फॉर R&D एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये हमारी बाकी की जो टीम है, मिस्टर प्रदीप होपकर इज टेकिंग फॉर द एंटायर इंडिया नेशनल सेल्स मैनेजर। देयर आफ्टर मिस्टर अतुल भार्गव इज ASM ऑफ उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। शिवम गिरधर जो है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर देख रहे हैं। मिस्टर पीतू यादव बिहार एंड झारखंड। देयर आफ्टर मिस्टर प्रशांत मिश्रा उत्तर प्रदेश। सत्य प्रकाश शर्मा जो है MP स्टेट देख रहे हैं। एंड गोविंद सिंह जो है वो राजस्थान देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरी जो टीम है आपको रिस्पेक्टिव आपके एरियाज में सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। थोड़े हमारे बारे में बात करूंगा कि जैसे मैंने बताया कि मैं फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एंड बेसिकली ऐसा है कि लास्ट 20 ईयर से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अर्लियर आई वॉज विद HMSI होंडा मोटरसाइकिल्स पे मैं वर्क कर रहा था। देयर आफ्टर इन 2014 मैंने मेरा खुद का सर्विस सेंटर, मल्टी ब्रांड के सर्विस सेंटर्स मैंने स्टार्ट किए। देयर आफ्टर जो सर्विस सेंटर्स का जो बिजनेस है उसको ग्रो करते हुए और अपॉर्चुनिटी देखते हुए मैंने एक ब्रांड डेवलप किया, क्विक ऑटो सर्विस। एंड क्विक ऑटो सर्विस अप्रैल 2019 में हमने स्टार्ट किया। आज के डेट में हमारा ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स में हमारा एक्सपेंशन है क्विक ऑटो सर्विस का, विद द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम 78 आउटलेट्स। फिर ये इस जर्नी को आगे करते करते ग्रो हम कर रहे थे। 2019 में एक्सपेंशन कर रहे, 20 में एक्सपेंशन किए। देयर आफ्टर इन 2021 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी अच्छे लेवल पे मार्केट ग्रिप हो ले रहा था और ग्रो हो रहा था। काफी सारे कंपनीज फोकस हो रही, इंडियन गवर्नमेंट ने भी अच्छे लेवल पे सपोर्ट्स करना स्टार्ट किया। और फिर उस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आने का डिसीजन लिया। क्विक ऑटो सर्विस तो रन हो ही रहा है, पैरेलल हमने फिर इस ब्रांड को भी हमने एस्टेब्लिश किया इन 2021। अक्टूबर 2021 में हमने इसको चालू किया। दिसंबर 2021 में हमने हमारी फैक्ट्री लाइव की थी। ऑन 5 नवंबर 2021 हमने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, ऑल ओवर लो स्पीड मॉडल्स एट 5 नवंबर एट रेडिसन ब्लू जयपुर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 10 तारीख को ही हमने हमारे हाई स्पीड प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं एट वडोदरा गुजरात। तो अभी हमारा जो लो स्पीड प्रोडक्ट से चालू हुआ जो पोर्टफोलियो था, वो पोर्टफोलियो भी बढ़ के हम ई साइकिल, ई स्कूटर, ई बाइक, ई रिक्शा, ये सारे सेगमेंट्स में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आपको जब हमारी डीलरशिप लेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट को सेलिंग करने की अथॉरिटीज मिलेगी, आपको अच्छे लेवल पे बिजनेस ग्रो करने की एक अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो ये इस तरीके से हम ग्रो कर रहे, एक्सपेंड कर रहे हैं। विद इन 8 to 9 months वी हैव एक्सपेंडेड अवर नेटवर्क टू एट महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, UP, पंजाब, गुजरात, ये सारे स्टेट्स में हमने अभी प्रेजेंस लाया हुआ है। मैंने अभी तक जो भी इन्विटेशन था मैंने हमारा दे दिया है। आगे अभी मैं पूरा बिजनेस प्रॉस्पेक्ट आपको बताऊंगा किस तरीके से है, कौन से मॉडल्स हमारे कैसे अवेलेबल से, किस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेनी है। तो प्लीज आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन जो भी रहेगा। आप मुझे जब भी ये सेशन खत्म होगा, प्रेजेंटेशन खत्म होगा, उसके बाद हम 1-to-1 आपके क्वेश्चंस लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को कि आप एंड तक बने रहिए, ताकि क्या आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे ये प्रेजेंटेशन में ही रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स आता है तो डेफिनेटली वी विल कनेक्ट 1-to-1। ये जैसे मैंने बताया कि हमारा क्विक ऑटो सर्विस जो एग्जिस्टिंग ब्रांड जो हमने 2019 चल गए थे उसके कुछ आउटलेट्स है, ये हमारे ई विश्वा के आउटलेट्स किस तरीके से होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पैरामीटर से वो है बैटरी, तो वी आर वेरी मच एग्रेसिव इन द क्वालिटी ऑफ द बैटरी एंड एंटायर व्हीकल।
तो बैटरी क्वालिटी और जो है उसमें हम बेसिकली हम एलएफपी बैटरी ही यूज कर रहे हैं, इसमें हम लिथियम आयन में हमारा काम नहीं होता है। और एलएफपी बैटरी के फीचर्स कैसे है, तो हम पूरा उसमें स्मार्ट बीएमएस मिलेगा, 5 ईयर्स की वारंटी, 3000 साइकिल्स आपको मिलने वाले हैं, लोडिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है आपकी, बैटरी की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप कनेक्ट कर सकते हो, ऐप दिया जाता है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें टेम्परेचर सेंसर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज चार्जर, तो स्मार्ट चार्जर है। स्मार्ट चार्जर कैसे, क्योंकि आपकी बैटरी जब भी आप चार्जिंग में लगाते हो तो जैसे वो बैटरी फुल होती है ये ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से सारे आपको फीचर्स आप देख सकते हो। अपने सेफ्टी फीचर्स के लिए भी टेम्परेचर सेंसर जैसी चीजें ली है, जैसे आप देख सकते हो कि मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा बैटरी का। ये जो होता है ये लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी होती है, और ये जो है ये लिथियम आयन होती है, छोटा सेल होता है। एलएफपी जो है ये बड़ा सेल्स है, तो वी आर यूजिंग दिस सेल्स। और इसमें आप देख सकते हो कि इसको इस तरीके से हमने सेट किया हुआ है कि यहाँ से अगर ये एक सेल भी अगर खराब होता है तो भी ये सेकंड सेल को अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे हमने गैप दिया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो बैटरी जो जिस इस पे फिट होती है, ठीक है। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। हर एक सेगमेंट पे एक सेंसर होता है, इस तरह से 5 टेम्परेचर सेंसर से जो भी ओवर हीट अगर बैटरी होती है तो वो बीएमएस के थ्रू मैसेज देके बैटरी के जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल में करती है, 52 डिग्री तक आते हैं तो उसको रिस्टार्ट करता है। ये एक सेफ्टी फीचर्स, काफी चीजें हमने सेफ्टी के ऊपर डाली है। जैसे आपने सुना रहेगा कि पिछले 2-3 महीने पहले जो भी लिथियम आयन बैटरी फायर हो रही थी या इश्यूज हो रहे थे, ये सारे इश्यूज को हमें पहले ही पता था। जब हम वेरी ओल्ड इज इंडस्ट्री, हम 2020 2002 से मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी टेक्निकल टीम है, ये सारे के सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो फ्रॉम डे वन हमने ये फाइनल किया था कि हम एलएफपी में जाएंगे, लिथियम आयन में जाएंगे नहीं। तो हम एलएफपी बैटरी डे वन से हम यूज कर रहे हैं, और ये फीचर से आज के डेट में मैक्सिमम कंपनीज अभी डाइवर्जन होने का सोच रहे हैं एलएफपी पे ही। तो ये हमें फ्यूचरिस्टिक वे से हमने पहले ही सोच के रखा था, और इसके हिसाब से हमने हमारे स्टेप्स लिए थे, और आज वो सक्सेसफुली हम रन कर रहे हैं उसको। अगर की पॉइंट्स क्या है हमारे, तो सबसे पहला तो आपको जब ई विश्व का फ्यूचरशिप लेते हो तो आपको दो ब्रांड के रॉयल्टी मिलती है, या रैंडम में यूज कर सकते हो प्री क्वार्टर सर्विस। मतलब ये ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है प्री क्वार्टर सर्विस का। ई विश्व का डीलरशिप आप लेते हैं तो आपको मतलब वी आर नॉट न्यू इन द इंडस्ट्री, सबसे पहले ये आपको प्रूव है कि यस हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल मॉडल को हमने रन किया हुआ है, पैन इंडिया में हमारा प्रेजेंस हो रह चुका है अदर ब्रांड्स का। तो कोई ये नई कंपनी नहीं है, हम वी आर ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री। मेरी टीम जो है ये इंडिविजुअल हर एक का एक्सपीरियंस 10 से 15 साल का है, मेरा खुद का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। कंबाइंड अगर मेरी मैनेजमेंट टीम का अगर आप देखेंगे तो ये 75-80+ का एक्सपीरियंस चला जाएगा। तो ये सारी चीजें ये आपके लिए प्लस पॉइंट्स है। पूरा सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है आपके, आपका एएसएम है, एनएसएम हो, डायरेक्टर्स लेवल हो, आफ्टर सेल्स सपोर्ट के लिए टेक्निकल टीम, लॉजिस्टिक, सीआरएम, मार्केटिंग, ये पूरी टीम है जो आपको सपोर्ट करती है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें की पॉइंट्स है, ये लो मेंटेनेंस व्हीकल्स है। अभी लो मेंटेनेंस व्हीकल्स कैसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज वी आर गिविंग 5 ईयर्स वारंटी। हम इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो टोटल 9 कंपोनेंट्स के ऊपर 5 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। बैटरी, चार्जर, हब मोटर, कंट्रोलर, फ्रंट फोक, सस्पेंशन, कन्वर्टर, स्पीडोमीटर, चेसिस, 9 कंपोनेंट्स के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट सब पूरी गाड़ी कवर हो गई है इसके अंदर। तो मतलब जो भी वेयर एंड टेयर पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सेंसर, लाइट, केबल्स, डिस्क या ब्रेक शूज, ये सारी चीजें, बेरिंग्स वगैरह, ये आपको कस्टमर को पे करना पड़ता है। बट मेजर पार्ट जो 9 पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिपेंडेड है, वो सारे 9 पार्ट्स हम वारंटी में कवर कर देते हैं फॉर 5 ईयर्स, नॉट ओनली फॉर द 1 और 2 ईयर्स। काफी सारी कंपनी 3 ईयर्स की बैटरी की वारंटी देती है, और बाकी चार्जर के ऊपर कोई 6 महीने का देता है, कोई 1 साल का देता है, हब मोटर कंट्रोल के ऊपर 1-1 साल का होता है, बट वी आर गिविंग 5 ईयर्स वारंटी। जिससे क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स है उनको मेंटेनेंस में काफी चीप हो जाती है अपनी गाड़ी। मतलब मान लीजिए कि कोई अदर ब्रांड की कंपनी है जिसका अगर गाड़ी का हब मोटर खराब हो जाता है वेरी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तो वो हब मोटर उसको रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि अदर कंपनी की वारंटी तो 1 साल की है।
9,000 रुपए का हब मोटर है, आप समझ सकते हो, अगर वो 2 साल के बाद भी उसका हब मोटर खराब हो जाता है, हम उसको रिप्लेस करके दे देंगे, तो उसको उसको वहां पे सेविंग हो जाती है। सेम विद द बैटरी, आज मिनिमम 25 से 28 हज़ार से स्टार्टिंग रेंज होती है लिथियम फॉस्फेट्स की, और जो लोअर मॉडल है उसका, अगर 3 साल के बाद बैटरी अगर खराब होती है, चेंज करना पड़ता है, तो कस्टमर को फिर से उतना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। मतलब उस टाइम पे उस गाड़ी की क्या रिसेल वैल्यू रहेगी, बट अगर हमारे जो ई विश्वा की गाड़ी है वो 5 ईयर्स की है, और 2 साल के बाद अगर किसी को गाड़ी गाड़ी सेल भी करनी है, तो रिसेल वैल्यू हमेशा हमारी ज्यादा रहेगी, बिकॉज हम 5 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एलएपी बैटरी ए ग्रेड सेल के साथ हम काम कर रहे हैं, रिमोटली हम उसको बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं, आपको असिस्ट दिया जाता है, ऐप से सारी चीजें आपको ऑपरेशन मालूम पड़ जाता है, कि कौन सी सेल कितने चार्ज है, कितना गाड़ी चलने वाली है, क्या पूरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको एप्लीकेशन मिलेगा। हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप है, जिससे आपको हमारे जो कस्टमर है वो पीसफुल राइड कर सकते हैं, आपको भी उसके ऊपर रिवेन्यू आप अर्न कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम विदाउट ट्रेनिंग जब भी हमारे डीलरशिप का फाइनल होता है, जब तक डीलरशिप के ओनर और उनके एम्प्लॉयज मुंबई हेड ऑफिस पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग नहीं लेते, तब तक हम उसका इनोग्रेशन नहीं करते, बिकॉज ये एक अलग इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और जो बिजनेस आप करना चाहते हो, जो स्टार्ट करने वाले, जिसमें आप आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। दैट द रीजन हम आपको विदाउट ट्रेनिंग हम इनोग्रेशन करने नहीं जाए, बिकॉज एक बार इनोग्रेशन हो गया तो आप जो गाड़ी सेल करने के टाइम पे आपको काफी सारे दिक्कतें आती है, कस्टमर आना चालू हो जाता है, फिर आप जो उनको प्रॉब्लम को जवाब नहीं दे पाओगे उनके क्वेरीज को, कस्टमर्स को, तो ये आपके लिए भी नाम खराब होने वाला काम है और हमारा भी ब्रांड नेम खराब हो जाता है। तो हम ट्रेनिंग में नॉट ओनली फॉर सिंगल टाइम, अनलिमिटेड टाइम ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको। मतलब मान लीजिए कि आपका कोई टेक्नीशियन अगर छोड़ के चला जाता है, जिसने ट्रेनिंग लिया है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने छोड़ के चला गया, डोंट वरी, आप दूसरा जो भी टेक्नीशियन रिक्रूट होगा, या सेल्स पर्सन रिक्रूट होगा, उसको आप भेज दीजिए यहाँ पे, हम किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेंगे आपके पास से, अनलिमिटेड टाइम आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिकॉज हम मानते हैं कि एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिजनेस में, क्योंकि आज आप कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, तो जो भी हमारे जो टेक्नीशियंस है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, उनको हम यहाँ पे सिखा के समझा के ही वो ज्वाइन करे, इसकी आप प्लीज टेक केयर करना। मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, रेडियो एफ मार्केटिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, एग्जीबिशन मार्केटिंग, ये पूरी मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा होर्डिंग्स, एक्सपो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रोड साइड बैनर्स, डिस्प्ले वैन, विक्चर ब्रांडिंग, ये अलग अलग तरीके की मार्केटिंग की जाती है। हमारा B2C को हमने सपोर्ट करने के लिए, हमारे डीलर्स को सपोर्ट करने के लिए हम फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हमारा ऑनबोर्डिंग है, फ्लिपकार्ट एंड इंडिया मार्ट दोनों दोनों पे आप हमें देख सकते हो, हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जो जब भी कोई कस्टमर्स को गाड़ी ऑनलाइन जब लेना चाहता है, तो उसका वो जो उसका जो पिन कोड है, उसके नियरेस्ट जो डीलर होगा ई विश्वा का, उसके पास से उसको गाड़ी वो सेल होगी और डिलीवर होगी, तो ये आपको हमें हमारे तरफ से सपोर्ट होगा फॉर सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये इंडिया मार्ट में हमारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था 5 ईयर्स वारंटी, तो 5 ईयर्स वारंटी में हम क्या क्या दे रहे हैं, तो हब मोटर, चार्जर, कंट्रोलर, फोक, सस्पेंशन, कन्वर्टर, स्पीडोमीटर, असेंबली, चेसिस, बैटरी विद 3,000 साइकल्स, तो ये पूरे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। 9 पार्ट्स आपको कवर करके दे रहे हैं हम। अभी हम थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि हम कौन से प्रोडक्ट अभी हमारे पास है। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है प्लूटो, जो नॉन आरटीओ मॉडल्स है, इसको आप 4824 एलएफई बैटरी में हम आपको अवेलेबल करके देंगे। ये एस्ट्रो है, 4830 के केमिस्ट्री में आता है, ये वेस्टा इज सेम 4830, स्विंगर ये आएगा 4836 एच की बैटरी, सुपर ईवी ये 4830 में ही आएगी ये। तो इसमें आपको आप देख सकते हो कि सारे ये नॉन आरटीओ मॉडल से आपको सेल करने के लिए। इसके बाद ये हमारा हाई स्पीड मॉडल है एस्ट्रो प्लस, इसमें 7224 एज की बैटरी है, ये एलएफई केमिस्ट्री, और 60 का इसका स्पीड है हाई स्पीड मॉडल्स का। ये हमारी बाइक, सुपर बाइक, जो 7248 के इसमें आता है, XRZ 3000, ये हमारे थर्ड हाई स्पीड गाड़ी है, जो आप देख सकते हो ऑरम एक्सल, इसमें 4824 की बैटरी है और ये 45 किलोमीटर के स्पीड पे रजिस्टर्ड होगी।
मतलब ये हमने इसमें हाई स्पीड सेगमेंट्स में, लो स्पीड सेगमेंट्स में ये कवर किया है कि लोअर प्राइस, मिडल प्राइस, हायर प्राइस, लो स्पीड, हर तरह के कस्टमर को हमने कवर किया है इसके अंदर। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आपके लिए ई रिक्शा भी अवेलेबल है, जिसमें आप पैसेंजर एज वेल एज कमर्शियल गाड़ी आप बेच सकते हो। अभी कमर्शियल गाड़ी में भी आप टोटल 4 वेरिएंट भी बेच सकते हो। ये सिंपल गुड्स कैरियर भी होगा, या इसके ऊपर आप इसको वेजिटेबल और जो कार्ट होते हैं वो कर सकते हैं, एम्बुलेंस बना सकते हो, गार्बेज बना सकते हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से आपका ऑर्डर बेसिस पे आपको हम ये किट आपको बना के दे देंगे। हमारे चैनल पार्टनर्स कौन कौन है, ई विश्वा अकेली नहीं है जो हमारे डीलर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो सपोर्टिंग हैंड्स है, जैसे कि हमारा फाइनेंस पार्टनर है मास फाइनेंस, देयरआफ्टर पाइन लैब, कोटक महिंद्रा प्राइम, गोपी, मनवा फाइनेंस भी अभी हमारा ऑनबोर्ड आया हुआ है, देयरआफ्टर अगर वारंटी भी देखेंगे तो क्विक अश्योर, जो हमारा एक हमारा खुद का एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जो क्विक अश्योर वारंटी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरी मार्केटिंग जो हमारी देखते हैं वो फ्रेंचाइजी अप्लाई है, जिसका आज वेबिनार आप अटेंड कर रहे हो, ये फ्रेंचाइजी अप्लाई हमारे पैन इंडिया पे जो भी मार्केटिंग होती है ये फ्रेंचाइजी अप्लाई के थ्रू होती है। और इंश्योरेंस पार्टनर जो हमारा है वो डेटरमेंट प्रो, डेटरमेंट प्रो इज द बिग कंपनी जो हमारे कस्टमर्स को अच्छे लेवल पे हमारे डीलर्स को सपोर्ट कर रही है, चाहे वो पॉलिसी पंचिंग में हो, सेलिंग में हो, या आफ्टर सेल सपोर्ट में हो। एक डेटरमेंट जैसी कंपनी के साथ ई विश्वा का टाइप है। चित्रांश जो कंपनी है जो पूरी ई रिक्शा का हमारा जो टेक्निकल पार्टनर है हमारे, न्यूरॉन एंड एटीसी ये हमारे बैटरी सप्लायर से, बैटरी पार्टनर से, जो भी हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें हमारे म्यूजिक, हमारे सॉन्ग्स, लिरिक्स आप देख सकते हो कि हमारे ई विश्वा का टाइटल सॉन्ग हर एक जो भी Gaana.com जैसा ऐप है, सावन है, यूट्यूब है, हर जगह पे हमारा हमारे सॉन्ग्स आप देख सकते हो, टाइटल सॉन्ग जिस जो जिसे म्यूजिक पार्टनर है। तो ये अलग अलग चैनल पार्टनर है जो हमारे लिए, हमारे हैंड से मजबूत हाथ है हमारे, जो ई विश्वा के साथ हमारे डीलर्स को, हमारे कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। अभी डीलरशिप का प्रपोजल आपको बताते हैं कि इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि आपको ऑलमोस्ट 1,000 स्क्वायर फीट, 700 to 1,000 स्क्वायर फीट की एरिया रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपको सेल्स, सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स पूरा ये सेटअप होगा, इसके अंदर 3A सेटअप होगा, और आपको जो सेटअप होगा वो ई विश्वा के कॉर्पोरेट नॉर्म्स के हिसाब से बनाना है। मैं इन्वेस्टमेंट पार्ट बताता हूँ। हम 3 सेगमेंट्स पे हम डीलरशिप ऑफर करते हैं। तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, ठीक है, जो 40 गाड़ी उसकी मिनिमम लिफ्टिंग होती है, तो उसमें आपको व्हीकल कॉस्ट 20 to 35 लाख तक कॉस्ट जाती है। ब्रांड फीस हमारी जो है वो 2 लाख रुपया है। इसके अलावा आपको जो मार्केटिंग में जो हम 1 लाख रुपए स्पेंड करेंगे, जिसमें डीलरशिप सर्टिफिकेट, डिलीवरी सर्टिफिकेट, मॉडल ब्रोशर्स आपको दिए जाएंगे, अपडेट टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी, यूनिफॉर्म दिया जाएगा, 10,000 लिफलेट्स, 100 ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग, 50 पोल बैनर, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो टोटल आपको ई विश्वा को 38 लाख पे करना है इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के इसमें। और फिर आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो आपको बनाना है उससे आपको लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है, और सर्विस का सेटअप होता है उसे 50,000। तो 40 लाख रुपया पूरा इन्वेस्टमेंट आपका उसमें लगने वाला है, अगर आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। तो 12% मार्जिन हम आपको दे रहे हैं उसके अंदर। फिर आते हैं डीलरशिप जो सिटी लेवल पे आ रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेन लोकेशंस होंगे यहाँ पे हम ये डीलरशिप देंगे, जो 20 व्हीकल से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, उनको 10% मार्जिन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर विल सप्लाई व्हीकल्स टू द डीलरशिप। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी डीलरशिप और सब डीलरशिप बनेंगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही जाएगी, और उनको उसके ऊपर 2% एडिशनल मार्जिन मिलता है। सेम जब जो डीलरशिप है एक तालुका लेवल पे जिसने डीलरशिप लिया है, और रूरल बेल्ट पे अगर सब डीलरशिप देना चाहता है तो 10 10 गाड़ी से भी चालू कर सकता है, कोई भी जिसे बिजनेस चालू करना है, तो लगभग 10 से 11 लाख रुपए में आपका सब डीलरशिप का बिजनेस भी चालू होता है। तो हमने ये जिसका जैसा बजट वो वैसे हमारे साथ जुड़ सकता है, चाहे वो 10 लाख में हो या 40 लाख में हो, जैसे जैसे इन्वेस्ट करेंगे वैसे उनको मार्जिन और वैसे उनको उनको पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर आपके सामने है कि चाहे अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो 40 लाख, डीलरशिप लेनी है तो 20 लाख, एड सब्सिडी लेनी है तो 10 लाख, 10 to 11 लाख तक। अभी ओवरऑल प्रोसेस क्या है डीलरशिप के लिए या हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आपको एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपया हमें टोकन अमाउंट देना पड़ता है। देयर आफ्टर हमारी टीम आती है फॉर लोकेशन वगैरह फाइनल करने के लिए। लोकेशन फाइनल होने के बाद आपको एलओआई और एग्रीमेंट्स वगैरह साइन अप किया जाता है, लेआउट डिजाइन दिया जाएगा आपको किस तरीके से सेटअप बनाना है, उस टाइम पे आपको फिर 50% व्हीकल का पेमेंट करना है।
एंड आपको जब भी आपका इनोग्रेशन लाइनअप होगा उसके पहले आपको पूरा पेमेंट करना है। प्लीज नोट, अगर आपका आपका फुल पेमेंट आने के मिनिमम 7 डेज के बाद यहाँ से गाड़ियाँ डिस्पैच होती है, और ये मिनिमम 7 डेज का क्राइटेरिया होता है। पैरेलली सारे काम चलते रहते ही गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी, आप इनोग्रेशन लाइन अप कर सकते हो। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच। नाउ अशोक।